नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरोज, आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। उमरिया जिले में तकरीबन डेढ़ महीने के अंदर रिश्वतखोरी का दूसरा बड़ा मामला सामने आया। पहले एसडीएम और अब नगर परिषद के इंजीनियर सहित सीएमओ रिश्वतखोरी करते हुए पकड़े गए। ताजा मामला नगर परिषद चंदिया का है, जहां महीने भर पहले ज्वाइन हुए सीएमओ मैडम श्रुषी रीना सिंह राठौर ने सरडोल के ठेकेदार मोहम्मद आमिर के द्वारा कराए गए निर्माण कार्य के 2,74,000 रुपए के भुगतान एवज 50% रिश्वत की डिमांड की। मामला 7,000 कम 1,30,000 में फिक्स हो गया। ठेकेदार ने इसकी सूचना लोकायुक्त को दे दी और पहली किस्त के 50,000 रुपए रिश्वत लेते सीएमओ मैडम कार्यालय के उपयंत्री अशोक श्रीवास्तव समेत रंगे हाथों लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गए। लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि रिश्वत की रकम लेने के लिए ठेकेदार को सीएमओ मैडम ने अपने आवास पर बुलाया था, जहां इंजीनियर एके श्रीवास्तव द्वारा पैसे लेकर मैडम को दिया गया। मोबाइल में हुई बातचीत के साथ आवास में लेन देन के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने सीएमओ व इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और विवेचना की जा रही है। हालांकि इस दौरान लोकायुक्त टीम मीडिया से बचती नजर आ रही है। वहीं लोकायुक्त के टीआई ने आकर बयान दिया। नगर परिषद चंदिया में आमिर खान जी एक ठेकेदार हैं, उनने रोड में डस्ट और मुरुम डालने का ठेका लिया था। 2,74,000 रुपए का काम करने के बाद उन्हें नगर परिषद चंदिया में बिल लगाया। बिल का 50% अर्थात 1,37,000 रुपए कमीशन के रूप में नगर पंचायत के सीएमओ साहब द्वारा मांगे गए। उसमें आमिर ने उनसे सौदेबाजी की, बातचीत की, तो उनने 7,000 रुपया कंसेशन कर दिया और 1,30,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इसकी कंप्लेंट लोकायुक्त कार्यालय रीवा में हुई। हम लोगों ने शिकायत का सत्यापन कराया। सत्यापन पर शिकायत सही पाए जाने पर आज 50,000 रुपए की प्रथम किस्त लेते हुए सुश्री रीना राठौर, जो यहाँ की सीएमओ हैं, उनके निर्देश पर उपयंत्री अशोक कुमार श्रीवास्तव ने 50,000 रुपए रिश्वत उनसे ग्रहण की है। इस घटना में हम लोगों ने सुश्री रीना राठौर और अशोक कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(k) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। उमरिया से राजेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट।